तो आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप अपना गाना रिलीज करते हो उस पर व्यूज नहीं आते, हमारे साथ भी होता था, लेबल्स को भेजते हो वहां पे भी यही होता है कि भाई कोई रिवर्ट नहीं आता, या कोलैबोरेशन के लिए पूछ रहे हो वहां पे भी यही आता है कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा। जब वो रिवर्ट नहीं आते तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। तो इसी चीज को समझने के लिए हमने कहा कि आज अपने गेस्ट को बुलाते हैं कि कैसे इस चीज को फिक्स कर सकते हैं और उन्होंने कैसे फिक्स करी ये प्रॉब्लम, और उन्होंने 2020 में इतना तगड़ा धमाल मचाया कि उन्होंने तगड़ी ग्रोथ करी और इसी के साथ साथ वो लेबल पे भी साइन हुए। तो आज जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम अपने चैनल पे ना मल्टीपल वीडियोस लाएंगे जिसमें म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग, हमारे दोस्त, मल्टीपल लोग आने वाले और हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि एज एन आर्टिस्ट स्मार्टली ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं जो कि नीश, और नीश का मतलब है कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस को केटर करना। वो नीश कैसे आई कि मतलब ये वाली चीज की वो मैशअप वाली जो नीश थी वो थी कैसे, आइडिया कैसे आया? उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे इंडिया में भी चल रहा था बट दे वर डूइंग बॉलीवुड काइंड ऑफ स्टफ्स। तो फिर वो चीज मैंने भी ट्राई की थी भाई, ऐसा नहीं बोलूंगा कि क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया। मेरा जो वो पहला रील था ना वो भी शायद से बॉलीवुड सॉन्ग का ही था, एंड आई मिक्स्ड इट विद जस्टिन बीबर का कोई सॉन्ग था। फिर उसके बाद से फिर मैंने बोला कि यार ये तो सब कुछ कर रहे हैं, लेट्स डू समथिंग इन हिप हॉप, बिकॉज हिप हॉप में कोई वो कर नहीं रहा था, क्या पता कोई वो कर भी रहा हो, बट मैंने वो चीज देखी नहीं थी कहीं। सो आई थॉट कि चलो वो मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। फिर थोड़ा स्टार्ट हुआ, started with Krishna bhai x Eminem. We saw that video bro. हाँ कि मतलब सबसे ज़्यादा blow up video काफी ज़्यादा वो ही हुआ था, काफी ज़्यादा हो गया था। तो फिर मुझे Instagram पे जो hip hop वो pages हो गए, rap India, India's finest hip hop, तो फिर उन्होंने भी मुझे थोड़ा बहुत वो promote किया, तो फिर वहाँ से एक अच्छा खासा gear हो गया था। फिर इसके बाद I dropped रफ्तार भाई का, and वो चीज़ रफ्तार भाई ने share की अपने story पे, and उन्होंने मुझे DM भी किया कि भाई आपका ये बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैंने उनके साथ जिसका किया था he was the game, उनका एक उनका आइडल है। तो फिर मैंने ऐसा किया, तो फिर उनके लिए भी काफी मतलब एकदम नई चीज थी यार, कोई ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। तो फिर उन्होंने शेयर किया, मुझे डीएम किया, एनी आस अबाउट माय बीट पैक, तो फिर मैंने भी उनको भेजा, ऐसा वैसा बात हुआ। फिर उसके बाद आई डिड वो कर्मा भाई का, कर्मा भाई ने भी किया, ऐसे करके मैं सारे आर्टिस्ट का मैं करता गया, सारे ऑलमोस्ट सारे आर्टिस्ट ने लाइक एक मुझे एक अच्छा खासा सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। यस यस यस, एक्चुअली मैं देख रहा हूँ मैं जितने भी प्रोड्यूसर्स है इंडिया में, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट वो प्रमोटिंग देयर बीट्स, अपलोड कर रहे हैं, वो खत्म हो गया, दे आर जस्ट अपलोडिंग। बट मैंने एक चीज नोटिस की है कि उनके वो बीट्स पे उतना रीच नहीं जा पाता, बिल्कुल दे गेट वेरी मिनिमम रीच। तो फिर मेरा उनको एक सजेशन ये कि तुम कुछ नया ट्राई करो, बिकॉज यू आर अ वो प्रोड्यूसर, तुम लाइक वो कुछ भी वो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम अपने आप को एक लिमिट में रखो। वो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम एक ही रोड पे वो चलते हो ना, तो फिर वो कभी कभी पहुंच नहीं पाता, ट्राई डिफरेंट रोड्स टू, कि मतलब यू हैव टू ट्राई मल्टीपल थिंग्स, आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे अलग अलग, मारने पड़ेंगे ब्रो, तभी आता है। एक ट्रेन पे चढ़ रहे हो और वो पहुंच नहीं रही तो ट्रेन छोड़ दो, मे बी कोई और रास्ता बनाओ आपके लिए आगे जाने के लिए। yes, 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 मतलब yes. ये काफी सही पॉइंट है, एंड आई थिंक तो इससे ये पता चलता है कि मतलब आप बड़े आर्टिस्ट से पहुंचने से अच्छा है पहले अपना खुद की वैल्यू बनाओ। एक बार आपकी वैल्यू है, बड़े आर्टिस्ट आपके पास खुद आएंगे, और खुद नहीं आ रहे तो इंस्टेड ऑफ डीएमिंग आई थिंक मेल करना ज्यादा बेटर है। तो ब्रो मतलब आपने काफी सही इलैबोरेट कर दिया इस चीज को और नीश को, और बट आई थिंक फिर इससे एक चीज हमें फिगर आउट हो गई, और जो मैं ऑडियंस को भी बोलूंगा कि ये फिगर आउट ही कि नीश एकदम से नहीं मिली, सेम चीज फॉर अस, हमें नीश किसी को भी नहीं मिलती। कई लोग होते होंगे लाइक हमने आज वीडियो में कहा, कई लोग होते होंगे जो बहुत स्मार्ट होते हैं और पहले दिन से उनको पता होता है, बट मोस्टली 90% लोगों के साथ यही होने वाला है कि उनको ढूंढनी पड़ती है। ऑलराइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को समझ आया होगा नीश कैसे काम करती है। बट अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की जो कि यूएसपी। तो यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग पॉइंट। बहुत सारी भीड़ है म्यूजिशियन की, आप अपने आप को अलग से कैसे दिखा सकते हो, उसके लिए हमने बात करी रिफिक्स और उन्हें काफी सही टिप्स दी। ड्रीम एक मतलब ड्रीम कोलैब होना चाहिए Eminem and Krishna bhai के साथ। So I just thought चलो कर देते। फिर उसके बाद मैंने The Game और रफ्तार भाई का किया, तो फिर तब जाके मुझे लोगों के फिर DMs आने लगे, भाई ये वाला ट्राई करो, भाई ये वाला ट्राई करो। आधे तो आधा हेल्प मुझे लोगों ने किया है, उन लोगों ने मुझे सजेशन दिए, कुछ कुछ मैंने अपने आप से सोचे, कुछ कुछ मुझे लोगों से, बिकॉज उनके भी सजेशन मैटर वो करते हैं, बिकॉज उनकी वजह से लाइक मैं कर रहा हूँ। और ये भी एक चीज था कि मैं इससे मैं अपने बीट्स को मैं वो प्रमोट मैं कर रहा था, आई वॉज डूइंग ऑन माय बीट, आई वॉज नॉट बॉलीवुड के दो गाने मैशअप करते हैं, आपने अपने गाने के ऊपर मैशअप करा, वो बहुत सही चीज। तो बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की बीट पैक्स। तो बीट पैक है बेसिकली अपने बेस्ट गानों को अपने फेवरेट रैपर्स को, सिंगर्स को या लेबल्स को भेजना। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम गाना भेजते तो हैं बट सामने से रिप्लाई नहीं आता, और हमारे साथ ये बहुत बार हुआ है। तो इसी चीज को समझते हैं हम रिफिक्स से। आई गेस पहले तो वो कनेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप कोई सेल्समैन नहीं हो कि आप जाके डायरेक्ट उनको वो बोलोगे कि ये मेरा वो प्रोडक्ट है,
ऑफकोर्स वो कोई भी वो खरीदेगा नहीं, अगर आप सेल्स के वो पर्सपेक्टिव से भी देखो ना तो फिर उनका भी एक रूल होता है कि सबसे पहले रिलेशन बनाओ. एग्जैक्टली, बिजनेस में रिलेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. रिलेशन अच्छा हो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सेल योर थिंग्स. एज आई सेड कि रफ्तार भाई ने मुझे सबसे वो पहले डीएम किया, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने डायरेक्ट नहीं बोला कि भाई आप मेरा बीट पैक लो. उन्होंने सामने से मुझे पूछा. हाँ, वरना उनको मैं वो पूछता भी नहीं है. तो फिर मैंने एक मेरा जो थे बीट्स, मैंने उन सबको एक फिल्टर करके उनको एक भेज दिया. सो एक बीट पैक से क्या होता है, मान लो कोई बड़े आर्टिस्ट है और उनके पास क्या, उनके पास वो कभी टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, उनको टाइम निकालना पड़ता है. बट तुम एक उनको अपने सेट ऑफ वो बीट्स दोगे तो फिर वो कभी भी एक फ्री टाइम में वो कभी भी सुन सकते हैं. और वो बीट पैक में एक्चुअली वो नहीं होता कि वो कि उसमें वो तुम्हारी वो बीट है, उसमें वो दिखता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है और तुम्हारा और तुम्हारे अंदर क्या क्या है. हाँ, बेसिकली कि अगर आप पूरा बीट पैक भेजोगे तो एक उसको वो मिल जाएगा कि आपका स्टाइल क्या है. इट रिप्रेजेंट्स यू, इट रिप्रेजेंट्स यू बेसिकली कि आप क्या हो, कि आप कैसे टाइप के वो प्रोड्यूसर हो. तो आई गेस वो काफी इंपॉर्टेंट होता है. तो लाइक बेसिकली पहले रिलेशंस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट. और देन उनको एक बीट भेजने से बेटर है कि टैग भेजो जिससे उनका भी टाइम कम से कम वेस्ट होगा और वो देख पाएंगे कि ये बंदा यार. एनी कैन आल्सो पिक पॉइंट कि मुझे पांच में से एक अच्छी लग जाएगी. ऐसा होगा कि एक अच्छी नहीं लगी तो पांच में से एक अच्छी लग सकती है, छह में से एक अच्छी लग सकती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है. और राइट गाइस, तो बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की. और फोर्थ पॉइंट है स्किल. तो यहाँ पे तो इस चैनल में पूरे टाइम स्किल की बात होती रहती है कि म्यूजिक प्रोडक्शन की स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करते हैं. बट हमने बात करी कि रीफिक्स ने ये स्किल्स अपनी कैसे इम्प्रूव करी. तो चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो अपने में जो वो कमियां होती है पहले उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ वो मुझ में ये है और मुझे उसको और इम्प्रूव करना है. मुझे भी ऐसी तब कि मुझे समझ गया था मैं ऐसा है कि यू नो एक प्रोड्यूसर या फिर एक लर्नर वो कभी भी वो मास्टर नहीं बन सकता. उसकी लाइफ में उसको सारी लाइफ उसको सीखना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं कि उसको सब कुछ आ जाएगा. मैं आज भी मैं सीखता हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपकी भी वीडियोस में देखे मैं कुछ कुछ मैं सीखा हूँ. अरे भाई थैंक यू. क्या तो फिर ऐसा होता है कि तुम्हें अपने आप को एक स्टूडेंट अपने आप को एक्सेप्ट करो कि आई एम अ स्टूडेंट हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है. अपने आप को टाइम दो. और मेन चीज ये होती है कि अपने आप से ट्रू रहो. तुम किसी और के साथ फेक हो सकते हो बट अपने साथ वो कैसे हो जाएगा फेक. तुम थोड़ा लाइक यू नो लोगों के साथ जितने भी वो प्रोड्यूसर है तुम उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन वो करो, उनके पास से नॉलेज लो. और फिर कभी कभी क्या होता है किसी के नॉलेज लेने से ना तुम्हें भी वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मतलब इसने भी कर दिया तो मैं भी वो कर सकता हूँ. मैं भी कर सकता. बिल्कुल. लाइक अगर कोई प्रोड्यूसर अपने आपको आसपास भी प्रोड्यूसर से सराउंड करता है तो वो उसको एक बहुत हेल्प मिलती है. हेल्प मिलती है. वो समझ पाता है कि मैंने कि मुझे और क्या क्या सीखना वो बाकी है. वो इन लोग ने सीख लिया, मुझे भी वो सीखना वो बाकी है. जब तुम अपने ही कमियों को तुम समझ कर उसके ऊपर वर्क करते हो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. मेरे टाइम पे क्या था जब मैंने स्टार्ट किया ना तब मुझे लगा कि हाँ अभी रीच जा रही है. नाउ आई हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड आई हैव टू गिव मोर. बिकॉज लोग जब देखते हैं ना तो फिर वो एक्सपेक्ट वो करते हैं कि वो और भी अच्छा हो और भी अच्छा हो. और एज अ प्रोड्यूसर और एज एन आर्टिस्ट हम भी ऐसी सोचते हैं कि हम और अच्छा करें. पहली वाली वीडियो से हम लोग और अच्छा वीडियो करें. हम सोचते हैं क्या वो अभी और क्या वो कर सकते हैं जो हम वो पहली वीडियो में ना वो कर सके. तो बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की जो कि कंसिस्टेंसी वर्सेस क्वालिटी. तो हम चैनल पे बहुत बार बोलते रहते हैं यार कि कंसिस्टेंट रहो और साथ ही साथ क्वालिटी भी मेंटेन रखो. बट इस चीज को अपना रीफिक्स भाई के साथ समझते हैं. कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स वो मैटर करती है बिकॉज अगर तुम वो कंसिस्टेंट हो बट वो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर लोग इवेंचुअली उसको लोग पसंद नहीं करेंगे. अगर आप वो कंसिस्टेंसी के साथ काम भी अच्छा कर रहे हो लोग फिर ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करेंगे. जस्ट मैंने अभी एमईवे वो भाई का मैंने बोला वो कंसिस्टेंट से और उन्होंने अपने वो काम को भी एक मेंटेन किया. मेंटेन करा हूं. या तो वो काफी लाइक वो एक अच्छी चीज होती है कि अगर तुम वो कंसिस्टेंसी और वो क्वालिटी को लेके वो चलते हो तो फिर तुम में मतलब ब्लो होने से वो कोई नहीं रोक सकता. या बट कभी कभी हमें ऐसा भी सोचना वो पड़ता है क्या चल मैं वो कंसिस्टेंट हूँ बट उसको ये नहीं वो भूलना चाहिए कि मैं कि मुझे और भी अच्छा वो करना है. ऐसा नहीं कि बस मुझे वो करना पड़ेगा सोचता हूँ कि मैं अगर कोई म्यूजिक में बना रहा हूँ अगर वो कोई और उसमें वो कमियां निकाले उससे पहले मैं उसको निकाल के उसको मैं करेक्ट में करूँ तो और अच्छा होगा.
नहीं बहुत yes. सही मतलब आपने ब्रो सारे पॉइंट इतने सही से बताया ना मतलब मजा आ गया इस चीज को सुन के लाइक एंड में जो एंड वाला पॉइंट था उसमें हाँ. भी लाइक हमने देखा आपने जब बीट्स अपलोड करी तो आपने रील्स पे बीट्स अपलोड करी देन आपका जैसी वो जो मैशअप वाली चीज एक ब्लो अप करी तो आपने वहां रुके नहीं आपने ये नहीं करा मैं चार पांच और डालता रुकता हूं उसके बाद लाइक आपने गोलियां चलाई और दैट वाज लाइक अमेजिंग ऑलराइट गाइस तो व्यू आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी और समझ आया होगा तो जल्दी से रिफिक्स को जाके सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम फॉलो करो और भाई क्या करना होता है यार और हमारा भी लाल बटन है हमारा भी फॉलो बटन है तो उसको भी ठोक दो तो जाके सब्सक्राइब करो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे और इसी के साथ और क्या करते हैं और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज तुम्हारी वेबसाइट आ रही होगी basila.in जाके चेक करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय Gangster, night I turn into monster. It's not a shock around.